वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे हैं। यहाँ पे एक आंटी जी लेटी भी हुई है। मुझे पता है ज्यादातर जो लोग आते हैं ना, दे चूज कोर्स कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रिक। ऑनेस्ट बात करूं तो उनको जॉब नहीं मिलती है। यहाँ की जो पढ़ाई है ना, स्टडीज, वो इजी नहीं है। पार्ट टाइम का टाइम नहीं मिलेगा तो। हाँ हाँ, ये बात सही बोल रहा है। अगर पार्ट टाइम करोगे तो फिर लोग कहेंगे। यहाँ से कैंपस स्टार्ट होता है प्रोटेक्निका वर्सलस का, जो इंग्लिश में होता है ब्रोकलो इंस्टीट्यूट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सोचा भाई आपको दिखाते हैं कैंपस टूर। बहुत लोग बोल रहे थे उत्कर्ष एक नया वीडियो बनाओ। मैं कैंपस टूर का वीडियो बनाया था 2 साल पहले, पर आज आपको दिखाने वाले हैं क्या बदलाव आया है कैंपस में और कितनी प्यारी यहाँ कॉलेज की कैंपस होती है भाई। तो देखिए, ये बेसिकली मेन एंट्रेंस भाई, पूरी कैंपस की बिल्डिंग है और उस तरफ एक शॉपिंग मॉल है। तो वहाँ पर ट्रैम स्टॉप है, बस स्टॉप है, आप वहाँ से आओ और यहाँ से वॉक करते हुए जाओ। और ये है भाई एंट्रेंस। और यहाँ पे बेसिकली उन्होंने पूरे कैंपस का मैप बनाया हुआ है, मतलब कौन कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ कहाँ। आई ट्राई माई बेस्ट टू शो यू एज मच पॉसिबल, मतलब पूरा ट्राई करूँगा, आपको जितना दिखा सके उतना दिखाएंगे भाई। टेंशन नहीं है, टेंशन मत लो, एंजॉय करो। रेड बुल पर्पल अच्छा नहीं है, पर्पल टी शर्ट पर्पल रेड बुल। चलो तुम बोले थे कि चला। वैसे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करके आ भी रहे हैं भाई। एंड टुडे संडे, मतलब संडे को भी लोग पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। आई एम प्रीटी श्योर दी स्टूडेंट्स आर ऑफ पीएचडी, इनके लिए संडे वनडे कुछ नहीं होता, ये फुल टाइम करते हैं रिसर्च। एंटर करती है आपको यहाँ पे मिलेगी बड़ी सी पार्किंग। और यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, अगर कोई भाई कार से आओगे तो भाई यहाँ पे पार्किंग वगैरह भी है। और वैसे पार्किंग है फ्री है, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या प्रोफेसर हो या टीचर हो। तो ये पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है, आई थिंक ये बस एक जनरेटर रूम है, अंदर इलेक्ट्रिक साइन बना हुआ है। और ये सामने आ गई भाई लाइब्रेरी, आई थिंक इसका नाम है D12। अगर गाइस लाइब्रेरी वगैरह खुली होगी तो आपको जरूर दिखाएंगे लाइब्रेरी कैसी होती है यहाँ की। ऐसा कुछ खास नहीं है इन द सेंस, कंप्यूटर है, कंप्यूटर पूरा भरा हुआ है, ऐसे जाता है लाइब्रेरी। हाँ भाई बहुत ही मॉडर्न लाइब्रेरी है, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी, यहाँ पे खाली कंप्यूटर वगैरह है और दूसरे सेक्शन में सारी बुक्स वगैरह भी है। कौन सी कार है भाई, पोलिश लादा। ये स्ट्रक्चर इन्होंने कुछ नया बनाया, ये पहले नहीं था। नहीं ये कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी इसकी, मुझे याद है। नहीं बिल्डिंग नहीं, ये बोल रहा हूँ, ये जो ब्लैक कुछ बना हुआ है, कितना फोटोजेनिक प्लेस है भाई। नहीं और गाइस आपको ये भी मैं बता दूंगा शॉर्ट में कि कौन से बिल्डिंग में किस सब्जेक्ट की क्लास होती है, तो अगर आप उस सब्जेक्ट पढ़ने आ रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। अरे फोटो है भाई तो प्रोफेसर का, दिख रहा है तुम्हें भाई कैमरे पे, दिख रहा है ऐसे आंखों पे नहीं दिख रहा है। देखो इधर आओ कैमरे पे। अरे हाँ यार देखो, ये हमारा आंखों का फ्रेम रेट को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो गाइस ये पता नहीं जो पीछे फोटो बनी हुई आप देख सकते हो, ये हमें आंख से नहीं दिख रही है कि क्या बना हुआ है। लाइब्रेरी D21 और एक एंट्रेंस उधर भी है, तो आपको एंट्रेंस जाकर दिखाते हैं भाई। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी बैठने की जगह भी है, तो आप क्लास के बीच में आपका ब्रेक वगैरह है तो यहाँ पे आप इन्जॉय कर सकते हो, अपने फ्रेंड साथ बातें कर सकते हो, असाइनमेंट वगैरह भी कर सकते हो, करना है तो टेंशन नहीं है भाई। लिखा हुआ है डोर क्लोज यूज द एंट्रेंस, और ये भाई कॉलेज का लोगो, बिल्डिंग नंबर ए D21। संडे क्लोज है, सैटरडे 7 से 15 तक खुला हुआ है 3 बजे तक, और मंडे तो खुला ही है भाई। अगर ये बिल्डिंग खुली होती ना और अंदर जाना अगर वो अलाउ करते तो आपको दिखाता, बहुत ही प्यारी चुम्मेश्वर लाइब्रेरी है भाई। बहुत मतलब ऐसी लाइब्रेरी मैं पहली बार गया ना, लगा था ये तो शॉपिंग मॉल लग रहा है। यहाँ पे बाइसाइकिल पार्क कर सकते हो, और ये है फॉर डिसेबल्ड पीपल, ये रैम्प। तो यहाँ पे ये सब चीज़ काफ़ी अच्छी है भाई, मतलब कॉलेज के मैनेजमेंट है वो सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि भाई जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए भी रास्ता बना रहे। हाँ तो गाइस ये है बिल्डिंग नंबर D2, और यहाँ पे होती है बेसिकली कंप्यूटर की लैब और मैकेनिकल, कुछ पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे लैब होती है ऐसा है, टेलीकम्युनिकेशन इन्फॉर्मेटिक्स। फोटोजेनिक लग रहा होगा, सही है ना। और उस तरफ भी एक बिल्डिंग है जिसमें मैथमेटिक्स की क्लास होती है, लेक्चर्स वगैरह। जब पढ़ाई करते थे तो क्लास वगैरह सुबह सुबह जानी पड़ती थी भाई, सुबह 6 बजे नहीं 7:30 8 बजे, बिना ठंड में उठने में 7:30 बजे आप जब उठोगे तो बाहर होता है अंधेरा, एकदम घोर अंधेरा, और ना कुछ दिखता है ना लोग दिखते हैं, और आपको उसी में क्लास जानी होती है। तो अच्छी पड़ती है। हाँ तो ये काफ़ी थोड़ा ऐसा हेक्टिक हो जाता है, पर तब भी यार काफ़ी प्यारा है। बिब्लियोटेका मतलब होता है भाई लाइब्रेरी। अभी बिल्डिंग का रेनोवेशन हुआ है C7, तो आपको ये थोड़ा बाद में दिखाएंगे, पहले इस तरफ एक्सप्लोर करते हैं क्या है। मतलब गाइस ये कैंपस काफ़ी खूबसूरत है, अगर आप इसमें पढ़ाई करने आ रहे हो, इस कॉलेज में एडमिशन लोगे ब्रोकलो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यहीं पे आपकी क्लासेस वगैरह होगी और मज़े ही मज़े हैं भाई, मौजे। हाँ पर एक बात है, यहाँ की जो पढ़ाई है ना स्टडीज़, वो ईजी नहीं है, स्पेशली अगर आप कोई इंजीनियरिंग वगैरह कोर्स लेते हो तो लगने वाले हैं भाई आपके, मतलब अटेंडेंस का बहुत ही लोचा रहता है इस कॉलेज में, और जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं प्रोफेसर होते हैं वो तो आपके लगाएंगे भाई अच्छे से। आप इंडिया से हो तो उतना कर ही लोगे यार, मतलब समझ लो ना। कुछ बोलना है इस कॉलेज के बारे में सामी? बहुत अच्छा कॉलेज है, आइए थोड़ा एडमिशन लेनी पड़ेगी,
पार्ट टाइम का टाइम नहीं मिलेगा इतना। हाँ हाँ ये बात सही बोल रहा है। अगर पार्ट टाइम करोगे तो फिर लोग कॉलेज का ऐसी नहीं ना, अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो जम के पार्ट टाइम जॉब्स कर लें, पैसे उसे कमा लें, अपनी जो कॉलेज की फीस है वो निकाल लें, तो इसमें थोड़ा मुश्किल है बिकॉज जो पढ़ाई होती है ना काफ़ी हार्ड होती है भाई, तो उसमें थोड़ा टाइम नहीं मिलता है। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पॉलिटेक्निक और का स्टूडेंट कुलैतरी का मतलब नहीं पता यार क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है अंदर इसकी कुछ कैंटीन वगैरह है बिकॉज ऊपर देख रहे हो ये बैठ के खाने की जगह भी है, और इस तरफ नॉर्मल बिल्डिंग्स वगैरह है रेजिडेंशियल एरिया, और यहाँ पे अगर अपार्टमेंट लेते हो तो रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव है भाई। मुझे ध्यान आया कि मैंने इंट्रोडक्शन करने से भूल गया। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज उत्कर्ष, आई लिव इन पोलैंड, आई मेक व्लॉग्स। अगर आप चैनल पे अबे वो तो स्विस नाइफ है भाई। तो गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत लोग मेरी खाली वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई, तो क्या कर रहे हो आप लोग, जल्दी से 50 के कराते हैं फिर 100 के भाई, जल्दी से कराओ जल्दी से कराओ, एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक के मारो, ठोक के मारो। हाँ बेसिकली बिल्डिंग पार्किंग है, अभी आया मैं समझ में, यहाँ से एंट्रेंस है भाई, इसका मतलब होता है विजार्ड मतलब एंट्रेंस। सो बेसिकली अभी हम कैंपस के बाहर बाहर राउंड लगा रहे हैं, अभी अंदर फिर से एंटर मारेंगे कैंपस। ये सब नॉर्मल बिल्डिंग्स है, अगर आपको यहाँ पे रेंट पे अपार्टमेंट लेना है तो आप ले सकते हो, काफ़ी सही रहेगा। मतलब सुबह उठो सामी की खुराफात ख़त्म नहीं होती है, देखिए पार्किंग ले जा रहा है मैं, गेट पे है कोई इसलिए मैं नहीं अंदर जा रहा, सिक्योरिटी अंदर। सारी जो बिल्डिंग है आप यहाँ पे अपार्टमेंट रेंट कर सकते हो, पर थोड़ा एक्सपेंसिव होगा भाई। और गाइस एक और क्वेश्चन आप में से बहुत लोग पूछते हो कि उत्कर्ष प्लीज मेक अ वीडियो मतलब कैंपस टूर अबाउट दिस यूनिवर्सिटी दैट यूनिवर्सिटी। जो कॉलेज होते हैं यूनिवर्सिटीज उनकी कैंपस ऑलमोस्ट सेम ही होती है राइट, तो उतना कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। यार नया घर बनाया गया प्रोफेसर का, मछली देख सकते हो ना, अभी यहाँ पे आ रहा है समर वेकेशन, अभी चल रहा है एग्जाम का सेशन, इसके बाद हो जाएगी 3 महीने की लंबी छुट्टी इफ यू वॉन्ट टू कम टू पोलैंड। अगर आपको यहाँ पढ़ाई करनी है तो यार सितंबर अक्टूबर में आओगे आसपास। अभी यहाँ पे चल रहा है रेनोवेशन हर जगह देखो, सही है पता नहीं, ये भी साइकिल स्टैंड है भाई, मैं यहाँ से रास्ता ही बंद है। ये कॉलेज इतना बड़ा है कि आपको पूरा कैंपस टू हर एक बिल्डिंग दिखाना तो शायद पॉसिबल नहीं है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितना भी हो सके उतना दिखाऊंगा। बिल्डिंग ऑफ रेडियो मतलब यहाँ कॉलेज की भाई अपनी रेडियो स्टेशन है, देख रहे हो फ्रीक्वेंसी का नाम भी लिखा होगा 916 FM, देखो लिखा हुआ है रेडियो, मतलब समझ रहे हो ना कॉलेज की भाई चौड़ है, अपना FM चैनल है भाई रेडियो चैनल, ये सही है भाई। तो वैसे मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे ना पोलैंड में जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज कॉलेज वगैरह होते हैं कि जो कैंपस होती है इज वेरी डिफरेंट देन इंडिया। इंडिया में ऐसा होता है ना आपको एक पूरा प्रॉपर एंट्रेंस गेट होता है, फिर आप उसके अंदर ऐसे कोई बाहर के लोग उतना जा नहीं सकते हैं, यहाँ पे स्पेशली ओपन कैंपस, यहाँ पे ऐसा टेंशन नहीं है। चलो थोड़ी सब दिखाते हैं, और कहते हैं जो पार्क है ना बीच में इतना प्यारा है यार, मतलब आप क्लास के बीच में यहाँ पे आराम से चिल कर सकते हो, बैठ के बातें होते करो, मतलब जो भी करना है भाई, बस रोमांस मत करना पढ़ाई करने आ रहे हो तो, रोमांस बाद में होगा भाई जब ग्रेजुएशन हो जाएगी ना जॉब लग जाएगी तब जम के रोमांस करना, कोई टेंशन नहीं भाई। गाइस कुछ देर पहले तक हम वहाँ पे थे, वो सामने लाइब्रेरी थी, अभी आपको थोड़ा इस तरफ दिखाते हैं। मुझे पता है ज्यादातर जो लोग आते हैं ना दे चूज कोर्स कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ऐसा भी कोर्स है, तो वो सब कोर्स करोगे कि ज्यादातर क्लास इस बिल्डिंग में होगी। नहीं अभी तो बंद है, पर नाम क्या है इसका भूल गया, नाम मैं भी भूल गया। तो इस बिल्डिंग की भी कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी, तो यहाँ पर जब ऐसा होता है ना कि जब वेकेशन शुरू होती है तो काफी रेनोवेशन वगैरह सब हो जाता है एकदम जोरों शोरों से, और वही चल रहा है अभी रेनोवेशन। अभी देखो कितना प्यारा कैंपस है यार। तो ये मुझे याद है हमारी कुछ क्लासेस इस बिल्डिंग में होती थी कंप्यूटर साइंस वगैरह की, लेक्चर्स वगैरह इस बिल्डिंग में, बड़े बड़े लेक्चर हॉल हैं भाई, यहाँ पे लिखा भी होगा कुछ, अभी शायद कुछ चेंज कर दिया उन्होंने, इसमें लिखा हुआ है कि ह्यूमैनिटी स्टडीज ऐसा कुछ, बिल्डिंग का नाम तो पता नहीं लिखा ही नहीं है। तो गाइस देख रहे हो ना आपके लिए भाई इतनी मेहनत करता है, इतना भारी भारी गिम्बल वगैरह मतलब कैमरा ट्राइपॉड वगैरह उठा के, तो एक सब्सक्राइब करना भाई। लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरा बस यही मोटिव होता है कि आपको एकदम क्वालिटी कंटेंट देना, जो मैं प्रूव कर सकता हूँ कि पूरे पोलैंड में और कोई यूट्यूबर नहीं दे रहा भाई रिगार्डिंग स्टडीज या लाइफ इन पोलैंड। तो मेरी जो क्वालिटी होती है ना एकदम टॉप क्लास होती है, तो आप मुझे जरूर सब्सक्राइब करना भाई को, सपोर्ट करना यार। प्रोफेसर पॉलिटेक्निक की और क्लास की, तो बेसिकली ये सारे प्रोफेसर्स का नाम है, छोटा सा स्कल्पचर है जिसमें सारे प्रोफेसर्स का नाम लिखा हुआ है। तो 1945 से 1966 तक जितने प्रोफेसर कॉलेज के पढ़ाए हुए हैं जो भी हैं सबका नाम यहाँ पे, 1967 से 77 तक यहाँ पे, 1979 से 91 तक, और ये भाई 2001 तक। हाँ मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है पर इतना कूल है ना कि सारे जो प्रोफेसर जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया भाई कॉलेज के डेवलपमेंट में, जो भी स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं उनके लिए एक बड़ी चीज़ है भाई। मतलब काश मेरा नाम भी पीछे छपा होता प्रोफेसर ऑफ ब्लॉगिंग। अभी आपको हम दिखाने वाले हैं एक खुफिया बिल्डिंग, जो इस ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन डब्बे में डाला, हाँ यहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। मुझे याद है इस बिल्डिंग में क्लास होती थी मैथमेटिक्स वगैरह की, मैथमेटिक्स या फिर अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लोगे तो आपकी क्लास इस बिल्डिंग में होगी। ये है C4। अभी देखिए यहाँ भी चल रही है भाई कंस्ट्रक्शन वगैरह, और ये देखो सारा बिल्डिंग के बीच में ऐसा वो बना हुआ है, मतलब दो बिल्डिंग कैसे कनेक्ट हो रही है देख रहे हो, लगता है कूल लग रहा है ना तब भी, कि आपको ऐसे नहीं चलना आपको अंदर अंदर यू कैन क्रॉस, एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है। तो सही यार
मिनट। तो गाइस यहाँ पे हमने पीछे बहुत सारी फोटोग्राफी बहुत सारी फोटो भी ली, तो प्लीज मेक श्योर टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पर डाल दूंगा स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी, फॉलो कर लेना भाई। काफी प्यारी लग रही है ना फोटोजेनिक, कैसे देखिए कितना मॉडर्न, ऐसे मस्त लग रहा है कैंपस। वैसे गाइस एक और चीज़ है, अभी आपको हम दिखाते हैं थोड़ी और भी बिल्डिंग्स जो भी यहाँ पे है। आप में से मुझे पता है बहुत लोग आते हैं पढ़ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पूछते हैं क्या स्कोप है इसका, तो तुम्हें लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्कोप है पोलैंड में? मैकेनिकल में स्कोप, मैकेनिकल करके क्या स्कोप है? मैं एक कमेंट करना चाहूँगा कि अपने एक्सपीरियंस से और बहुत लोग मैं जो देखता हूँ जो यहाँ पे कोर्स किए हैं बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मास्टर्स, ऑनेस्ट बात करूँ तो उनको जॉब नहीं मिलती है, मतलब अपने फील्ड में जॉब नहीं मिलती है उनको। ठीक है भाई, मैं देखा बहुत लोगों जो बायोटेक्नोलॉजी की है उनको भी नहीं मिल रही है। थोड़ा लैंग्वेज का है ना ये सब चीज़ों में, जर्मनी जा रहे हैं, इन्फॉर्मेटिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन C1। अभी पीछे लग रहा है बच्चे एग्जाम एग्जाम देखे हैं, पेपर कर रहे हैं डिस्कस क्या सही हुआ क्या गलत। अगर आप यहाँ से करोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस में देखा हूँ लोग को अपने फील्ड में जॉब नहीं मिलती है, इसका रीज़न ये है, पहला लैंग्वेज का बैरियर पोलिश लैंग्वेज, और दूसरा है कि पोलैंड की ऐसे कोई बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं है जैसे जर्मनी वगैरह की है, फ्रांस वगैरह की। तो अगर आप वहाँ से करते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा वो भाई अपनी फील्ड छोड़ के बैंक वगैरह में जॉब करते हैं, फाइनेंस वगैरह, या फिर मास्टर्स करते हैं MBA वगैरह, या फिर कोई मैनेजमेंट कोर्स। तो यहाँ पे ऐसा है ना कि जो प्रोफेसर है उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, नहीं बिल्डिंग वगैरह पे या जो भी प्रोफेसर का नाम लिखा हुआ है मतलब कितना कूल है ये, नहीं गाइस। ये है मेन रोड, देखिए पूरा शहर है ये ब्रोकलो, और इस तरफ फिर से कैंपस शुरू है, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, विज़ा इलेक्ट्रिसिटी A5 बिल्डिंग। हाँ ये बिल्डिंग कितनी प्यारी है, देखो हम जब आए थे ना मतलब यहाँ पे नए नए पोलैंड में, तो हमारी जब क्लास वगैरह शुरू हुई थी तो हमें लगा था साला ये तो इस तरफ कॉलेज की बिल्डिंग है और इस तरफ नॉर्मल अपार्टमेंट्स वगैरह घर वगैरह हैं लोगों के, तो मुझे लगा था साला ये क्या है। इंडिया में ऐसा होता है ना पूरा एक प्रॉपर कैंपस होता है कॉलेज का, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ओपन कैंपस है, कोई भी आ जा सकता है कैंपस देखने, और फिर ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि आपको स्पेशल कोई परमिट चाहिए या फिर एंट्रेंस का टिकट वगैरह, कुछ ऐसा नहीं है, आप आके यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो कैंपस। यहाँ भाई अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई, इसके अंदर पोस्ट ऑफिस है, वही बिल्डिंग है, प्यारी कार है, 308 कौन सी कंपनी, प्यूगट फ्रांस की है, फ्रांस। यहाँ पे कार बहुत प्यारी है, ओपेल तो भाई कार है लातविया की, ये तो ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर का अंदर कुछ बंकर। एक जो पोलैंड की जो ऑटो इंडस्ट्री है ना, मतलब आपको पता नहीं कितनी हिस्ट्री पता है, पर पोलैंड की एक ही कंपनी पॉपुलर हुई थी पोलिश लादा ऐसे करके, और यही कार है भाई पोलिश लादा, ये पूरी बहुत पॉपुलर हुई थी सोवियत यूनियन के टाइम, मतलब जब, और पोलैंड की जो एक कंपनी थी यही कार बना पाई भाई, और जितनी कार आप देख रहे हो सारी ये है, स्कोडा चेक रिपब्लिक, ऑडी जर्मनी, फोल्क्सवैगन जर्मनी, स्कोडा चेक रिपब्लिक, मतलब देख रहे हो ना पोलैंड की अपनी कोई ऐसे ऑटोमोबाइल कार कंपनी नहीं है। करोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो थोड़ी दिक्कत आएगी भाई जॉब में, कितना प्यारा है। वैसे यहाँ बेसिकली पोलैंड में ज़्यादातर जो कार चलती हैं सारी जर्मन कार होती हैं, मतलब मोस्टली वोल्क्सवैगन ऑडी स्कोडा तो चेक रिपब्लिक की है, ठीक है फ्रांस की कंपनी है, सिट्रॉन किया वगैरह उतनी पॉपुलर नहीं है पोलैंड में, किया फोर्ड ये सब कंपनी उतनी पॉपुलर नहीं है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ पे जितनी जर्मन कार होती है ना बहुत ही चीप होती है। तो ये भी आ गया केमिस्ट्री की बिल्डिंग, विडजायल केमिस्ट्री A3। यहाँ पे और भी लोग घूम रहे हैं भाई, यहाँ बच्चे पार्क में खेल भी रहे हैं, इधर ये हम चले आ रहे हैं। ये है सामने हमारी बिल्डिंग ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर लोग हैं तो आपकी यहाँ पे क्लासेस होंगी भाई अंदर इस बिल्डिंग में। तो यहाँ पे देखिए कोई एक बहुत ही पॉपुलर प्रोफेसर है, उनकी यहाँ पे मारियन स्मुलुच्की नाम था इनका भाई, 1872 से 1917 भाई, मतलब ये सब कॉलेज इतनी पुरानी है ना, उस टाइम तो इंडिया को इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला था। ये देखो ये तो भाई फ्लैग कौन सी कंट्री का है, ईरान का फ्लैग है ये, तो गाइस यहाँ पे ईरान का फ्लैग लगा हुआ है, और पता नहीं क्या अरब में कुछ लिखा हुआ है, अरबी। तो हमारे पीछे है बिल्डिंग ऑफ मैकेनिकल, और ये भी है भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो विडजायल मैकेनिसी ये तो खुली हुई है, देखिए चलो भाई अंदर लोग आ रहे हैं, तो कितनी पुरानी मर्सिडीज़ है। तो गाइस यहाँ पे आके हमारा जो बिल्डिंग का कैंपस है मतलब कॉलेज कैंपस ख़त्म हो जाता है, और अभी हम फिर से एंटर करेंगे कैंपस दूसरी तरफ से। तो गाइस टेंशन मत लीजिए, हमारी कार नहीं है ये, BMW X5 है भाई न्यू मॉडल। वाओ पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बनेगी, आई ट्राई एम बेस्ट टू कीप इट शॉर्ट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये सब पॉपुलर कोर्स होते हैं भाई, क्या कार है भाई BMW, लिटरली मैं कार फिल्म कर रहा था इतना बैठा हुआ था मुझे दिखाने, कोई नहीं भाई प्यारी प्यारी यहाँ पे कार दिख रही है यूनिक एक्जॉटिक, कैंपस टूर नहीं ये कार टूर हो गया, कार टूर। पेड़ पत्ते उग गए ऊपर, ये डिज़ाइन नहीं है भाई, देखो पेड़ लग गए ऊपर बिल्डिंग पे, पॉइंट ऑफ व्यू POV
यू आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी। अब हम इस तरह फिर से चलेंगे सीधे। भाई थोड़ा पकड़ लो यार एक मिनट। और गाइस मेरे से बहुत लोग पूछते हैं आप में से कि कौन सा कोर्स पढ़ना है यहाँ पे बेनिफिशियल है, जिसमें सैलरी वगैरह अच्छी मिलेगी, जॉब वगैरह मिल जाएगी। तो वो कोर्स होगा भाई कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट, कुछ भी बोलो। ये सब कोर्सेज में बहुत ही जॉब है पोलैंड में, स्पेशली आईटी में। आईटी में ऐसा सीन है ना, अभी बाहर से हर दिन इतनी कंपनीज आ रही हैं, गूगल वगैरह सबका ऑफिस बन चुका है वॉर्सो वगैरह में, पोलैंड में। अगर आप आईटी नहीं भी कर रहे हो और आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आपके पास स्किल्स है, यहाँ पोलैंड का ना वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ये है कि आप सर्टिफिकेट डिग्री का उतना वैल्यू नहीं है, आपके पास हार्डकोर स्किल्स है तो आपको जॉब मिलेगी भाई। और जॉब क्या मिलेगी, आप एज अ फ्रेशर ग्रेजुएट हो गए तो अराउंड 10 to 11,000 ये फ्रेशर को मिलती है स्लॉटी, 10 to 11,000 पर मंथ बिफोर टैक्सेस, यूरोस नहीं भाई, यूरोस नहीं, 1,20,000 हाँ, मतलब 1,20,000 ऐसा आपकी एज अ फ्रेशर में आप जब ग्रेजुएट होते हो कंप्यूटर साइंस से तो इतनी मिलती है भाई। एक बहुत ही जनरल बता रहा हूँ, आप बहुत सारे इंटर्नशिप वगैरह किए हो तो इससे ज्यादा मिल सकती है। अरे 1,00,000 नहीं हुआ भाई, 2,20,000 हुआ। हाँ गाइस गलती बता दिया, 1,00,000 नहीं, 2,20,000 के आसपास आपकी एंट्री इंडियन रुपीज में इतनी जॉब मिलेगी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स को। तो गाइस बेसिकली यहाँ से हम फिर से एंटर कर रहे हैं कैंपस। हाँ देखिए आप खुद की फैक्ट्री भी है इनकी, इसमें पता क्या बनता है, बिस्किट ब्रेड वगैरह आपको लंच में जो मिलता है खाना वगैरह यहीं पे बनता है वहाँ पे। हाँ प्रिविलेज नहीं बोलूँगा, इतना प्रेस्टीजियस है इनके लिए कि इनकी अपनी पुलिस है भाई कैंपस की, लिटरली देखिए ये पुलिस की गाड़ी हमेशा यहीं पार्क रहती है, पुलिस एक या दो गाड़ी हमेशा होती है यहाँ पे। इस कैंपस में आप कुछ बकचोदी करोगे ना आप डंडे पड़ेंगे। अटियन ये सब गाड़ी इंडिया मॉडल मिलती भी नहीं है राइट। एक्चुअली इतना फोटोजेनिक, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत कैंपस है ना कि हम जब भी यहाँ पे आते हैं, हम बाहर से आते हैं लिटरली यहाँ टाइम स्पेंड करने, तो इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। तो इतने अच्छे अच्छे पेड़ वगैरह हैं, खूबसूरती बिल्डिंग, लोग अपना वॉक वगैरह कर रहे हैं। और इस तरफ फिर से कैंपस स्टार्ट हो गया, बिल्डिंग इतनी खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग है, देखिए ऐसी बिल्डिंग कहाँ मिलेगी, इंडिया मिलेगी ऐसी बिल्डिंग? हाँ मतलब IIT IIM वगैरह की ऐसी बिल्डिंग होती है शायद, पता नहीं, मेरे को उतना पता नहीं है, मैं तो कभी गया नहीं भाई। और बेसिकली ये है विड्राइल केमिस्ट्री, मतलब फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, अगर आप केमिस्ट्री का कोर्स करते हो बैचलर्स मास्टर्स में तो आपकी क्लास यहाँ पे होगी। पीछे काफ़ी वॉक हो गया, ये पूरा कैंपस है व्रॉकलो जो शहर है, व्रसवा व्रॉकलो, इसमें जितना गवर्नमेंट के पास पैसा है ना फॉर एजुकेशन इसी कैंपस में लग गया है भाई पूरा पैसा। मतलब और सब कॉलेज की यहाँ पे कैंपस इस तरह की नहीं होती है, ये बहुत ही ग्रैंड बहुत ही बड़ा कैंपस है भाई, बहुत ही बड़ा। हिस्ट्री वही है ना, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी थे, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो पॉलिटेक्निक का, फिर सेपरेट कर दिया। बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि अलग अलग कर दो और उनका अलग अलग बजट सेपरेट करके वो उधर ही रह गया, ये नया बन गया और रेनोवेट हो गया। तो गाइस अगर आपको कैंपस टूर देखना है यूनिवर्सिटी ऑफ व्रॉकलो की तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो, आई हैव मेड अ वीडियो, या फिर गूगल पे सर्च कर लो आ जाएगा मेरा वीडियो। व्रॉकलो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ व्रॉकलो वॉज वन सिंगल यूनिवर्सिटी। पहले ऐसा था कि ये दोनों यूनिवर्सिटी सेम थी, फिर बाद में भाई जो पता नहीं क्या हुआ गवर्नमेंट का भसोड़ी हो गई, बोल दिया भाई जाओ बंटवारा हो गया। बेसिकली ये थे बड़े भैया, मतलब दोनों कॉलेज की अपनी अपनी प्लस है अपनी अपनी नेगेटिव है। इस कॉलेज की एक प्लस पॉइंट ये है कि अब यहाँ से ग्रेजुएट हो गए ना तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। एक नेगेटिव ये है कि काफी हार्ड स्टडीज है और प्रोफेसर एकदम खूंखार होते हैं भाई। मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, झुकते नहीं है लोग, वो झुकते नहीं है, वो तुम्हें झुका देंगे, बोलेंगे जो डीन के पास कंप्लेन करो। और जब भी यहाँ पे लोग ग्रेजुएट होते हैं यही फोटो लेते हैं भाई। ये है बिल्डिंग A1 और इसमें हमारी क्लास होती थी और आपकी भी क्लास होगी मैथमेटिक्स वगैरह की। सो गाइस आज संडे है इसलिए पूरा कैंपस खाली है, तो भाई यहाँ पे ना पूरे बच्चे भागा दौड़ी करते रहते हैं, मतलब इस क्लास से उस क्लास, उस क्लास से उस क्लास। अभी हमारा टाइम भी होने वाला है रोपवे का, तो अभी आपको इस कॉलेज की सबसे बेस्ट चीज़ दिखाते हैं। तो गाइस देखिए ये है यहाँ की मेन बिल्डिंग, ऐसा लग रहा है पहले कुछ था ये कैसल वगैरह, बच्चे बन गए हो गया। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिटलर। हाँ यस यस यस, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इस एरिया में, मतलब जो कॉलेज में लोग को ऐसा आ गया था, मतलब हिटलर का एक होता है ना यार, हिटलर यहाँ पे आके पढ़ाई किया गया, मतलब ये गलत इन्फॉर्मेशन है, भय बढ़ गया था टेरर, वो तो पूरे यूरोप में था यार, वो खाली पोलैंड में थोड़ी था। सो गाइस वी विल ट्राई टू एंटर दिस बिल्डिंग, ये मेन बिल्डिंग यहाँ की। बंद है, कोई नहीं भाई, बाहर से तो बहुत प्यारा है देखिए। और गाइस ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनके पास कॉलेज में ना अपना एक बैंक है, सेंटेंडर यूनिवर्सिटास लिखा हुआ है ना, क्या मतलब है सेंटेंडर बैंक ऑफ यूनिवर्सिटी, कॉलेज का अपना बैंक है भाई, क्या चौड़ हो गई सर को सारा दिखा दिया। बिल्डिंग्स कैंपस केमिस्ट्री की फैकल्टी है लिखा हुआ है विड्राइल, यहाँ पे लिखा है ना विड्राइल केमिसिनी, इसका मतलब फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, और यहाँ पे सेंटेंडर का लोगो। तो गाइस अगर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इस कॉलेज में पढ़ने का, तो हमें याद है कि जब हमारी क्लास वगैरह होती थी तो उसके बीच में टाइम कितना कम होता था, 10-15 मिनट ऐसा होता था गाइस, ये नहीं कि टेंशन हो जाए, लेकिन थर्सडे को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा क्लास का, और मंडे को रहेगा, फ्राइडे ज़्यादा फ्री होता था, दो क्लास होती थी। यस नहीं मतलब गाइस आप देख सकते हो ना इतनी बड़ी कैंपस है, देखो हर जगह साला बिल्डिंग 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 साली पूरी यूनिवर्सिटी। मैचिंग कर सकते हो कि अगर आपकी एक क्लास यहाँ पे हो रही है तो आपको 10 मिनट का गैप मिलेगा, मतलब एक क्लास खत्म हुई 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद दूसरी क्लास, तो लिटरली आपको इतना भागना पड़ेगा भाई दूसरी तरफ। और कोई भी प्रोफेसर तो इस कॉलेज के ऐसे थे कि उनको टाइम से मतलब नहीं है,
वो छोड़ेंगे जब जब उनको लगेगा कि हाँ पढ़ा दिया आज का पूरा लेस इंडिया में तो क्या वक्त चोरी हो गया भाई। तो ये भी है C6 और भाई ये है सबसे मॉडर्न पार्ट ऑफ दिस कैंपस, ये है बेसिकली इंटरनेशनल ऑफिस। तो गाइस ये देखिए कितनी मॉडर्न बिल्डिंग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर एयरपोर्ट लग रहा है, ये छोटा एयरपोर्ट ना डोमेस्टिक फ्लाइट वाली जैसे एयरपोर्ट भी इतना बड़ा ही है। तो देखिए यहाँ पे पूरी मॉडर्न ग्लास बिल्डिंग और सामी बोल रहा है अंदर चलते हैं, देख लो भाई अंदर नहीं जा रहे, अंदर जाके बाहर कॉफी पी लेते हैं, जा सकते हैं चलो भाई। भाई देखिए कितना बड़ा रिसेप्शन है यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वेंडिंग मशीन भी है जिससे आप सामान वन कोट लटकाते थे पहले कोट। हाँ यहाँ पे ना आप विंटर में आओगे तो आपको इतनी ठंड पड़ती है कि आपको लंबा भारी भारी कोट वगैरह पहनना होता है। हियर यू कैन लीव द कोट और आपको एक टोकन देंगे, ग्लास वर्क खत्म हो जाएगी फिर यू कैन टेक द कोट, ऐसा होता है ऐसे। आप जब स्टार्टिंग में आते हो ना पूरे आपको एडमिशन मिल जाएगी, आपको वीजा मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे लंबी लंबी लाइन लगती है भाई सुबह सुबह। और यहाँ पे बेसिकली होता है रजिस्ट्रेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन होगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा कॉलेज के साथ फिजिकली, वो आपका सारा डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करते हैं। अगर आ रहे हो जल्दी आ जाना यहाँ पे सुबह सुबह आ जाना 8-9 बजे, बिकॉज उसके बाद ऐसी लंबी लाइन लगती है ना कि बुरा हाल हो जाता है भाई, इसलिए ये बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो भी एडमिशन प्रोसेस होता है, जो भी आपका ईमेल वगैरह का कॉलेज आता है ना रिप्लाई, वो सब इसी बिल्डिंग से आता है। यहाँ पे लोग बैठते हैं इंटरनेशनल ऑफिस के। अब जा रहे हैं हम रोपवे दिखाने, यहाँ पे ऐसा केबल काटे यहाँ से भाई एंट्री, यहाँ पे टिकट वगैरह लगती है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है टिकट लेने के लिए और एंट्रेंस वहाँ से भाई नंबर आ जाएगा आज के डेट में उनको लेने दो यार, क्या क्या कर रही है झुंझुना खेल रही है सर। यहाँ से हम टिकट आप ऐसे ले सकते हो मशीन से और चार्ज लौटी है भाई, ज़्यादा महंगा नहीं, उतनी रिस्पॉन्सिव मशीन नहीं है। हमारा टिकट तो आ गया, पर्ची रिसिप्ट हो गया, चलो रिसिप्ट देगा वो, चलो आ गया भाई रिसिप्ट। हाँ सो गाइस हमारी टिकट तो आ गई, केबल काट की सवारी करने इधर डालना है ना। अगर गाइस यहाँ पे आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए फ्री है शायद, राइट? हाँ स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और हम तो भाई स्टूडेंट अब नहीं रहे तो हमको टिकट लेनी पड़ती है, बताओ। मैं कभी दूसरे गया ही नहीं हूँ शायद, दूसरे भी इनकी गया हूँ तो अलग अलग बिल्डिंग से, ऐसी देख रही है मुझे बैठ, अपना टिकट दे दिए चलो अंदर, बिक गए तुम फ्लिक्स बस में चलो। मेरी पता भी नहीं चला, थोड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस है यार, गर्मी हो गई अलग। एंचोद वापस कैसे जाएंगे? तो गाइस हम आ चुके हैं आप अपने नदी के उस तरफ, यह है ओद्रा नदी, ओद्रा रिवर, ऑर्डर ऑर्डर बोलते हैं भाई जर्मन में। अरे अंकल जाने दो यार अंकल वापस ले जाओ किधर फंस गए। तो गाइस ऐसा हुआ ना कि उस तरफ से हम इस तरफ तो आ गए, अभी फिर वापस उस तरफ जाना था हमें, पर यहाँ पर टिकट बंद है भाई, देखो ये काम नहीं कर रहा है मशीन। ऐसा हमें ऑनलाइन ले सकते हैं क्या टिकट? हाँ शायद, मुझे लगा था उन दोनों से लिया था याद हो तो टिकट। हाँ दो लोग आए थे, इनकी मशीन खराब हो गई है। अरे अरे हाँ उनसे टिकट लिया वो अरे भाई तो ऐसा हुआ ना आपके पास टिकट है तो ये टिकट लेंगे, और अगर नहीं है जैसे हमारे पास टिकट नहीं है तो फ्री है हमारे लिए। सही हाल है, इनकी मशीन खराब है तो हमारी गलती थोड़ी है यार। आ गए भाई फोन फोन भी आ गया फोन। इस बार का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, पिछले बार तो इतनी भीड़ हो गई ना इसमें। वेंडिंग मशीन, यहाँ पे कॉफी भी है दो तरफ। प्रोडक्ट 24 ऐसा होना चाहिए हर जगह। पेप्सी आ गई, सामी क्या ले रहा है? फैंटा। हाँ वैसा मैं दूंगा तो अभी 4.6 दिया मैंने, 4 चलो ले लो यार, अटकने का डर सबसे ज्यादा है। एक कंटेंट क्रिएटर को और क्या चाहिए कि अंदर रिकॉर्डिंग करने दे दे। दिस इज स्पेशल पार्किंग फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। लेकिन चार्जर का इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स पार्किंग है भाई स्पेशल। ई
और गाइस देखिए कुछ इनकी कैंपस इस तरफ भी है, कॉलेज है ना, इनके कैंपस खत्म नहीं होने वाले, आप इसमें पढ़ाई करते करते थक जाओगे जहां तक मुझे पता है, डोंट कोट मी ऑन दैट। कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज है आई थिंक 100+ पोलिश और इंग्लिश मिला के, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है भाई। तो गाइस सबसे बेस्ट पार्ट खत्म नहीं हुआ भाई, ये भी कैंपस है कॉलेज का, तो आप यहाँ पे आ सकते हो अपने क्लास के बाद, एकदम चिल करो फ्रेंड के साथ, मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ जो भी है, और इस तरफ देख रहे हो लोग पता नहीं क्या खेल रहे हैं, वॉलीबॉल। तो गाइस देखिए यहाँ पे लोग वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे हैं, यहाँ पे एक आंटी जी लेटी भी हुई हैं। तो गाइस कितना सही चीज़ है ना, आप क्लास के बाद यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, देखो लोग चिल कर रहे हैं भाई, आधे लोग तो भाई नंगे लेटे हुए हैं, दिखा नहीं सकता मैं, राइट, तो वो आ जाएगा न्यूडिटी। और गाइस इस तरफ भी लोग अगर ना पता नहीं कुछ बीच बार वगैरह भी यहाँ पे है, लोग अपना खेल रहे हैं, कुछ पता नहीं खेल रहे हैं पेल रहे हैं पता नहीं भाई। गाइस देखिए यहाँ पे लोग ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं एंजॉय कर रहे हैं लोग नंगे। तो गाइस ये देखिए क्रूज यार, ये क्रूज, और यहाँ पे यूरोप में प्राइवेसी लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट, पता है ना, फुटेज हटानी पड़ जाएगी या जो भी, बहुत बकचोदी होती है, इतना कोई बोलता नहीं है, इसलिए ना आप देखते हो कि मैं जो भी व्लॉगिंग करता हूँ आई विल ट्राई माय बेस्ट टू अवॉइड पीपल। और यहाँ के जो लोग हैं थोड़े ऐसे उतने फ्रेंडली भी नहीं होते कैमरा फ्रेंडली, आप जैसे अगर किसी इंग्लिश कंट्री जाओगे इतना फर्क नहीं पड़ता और लोग थोड़े चिल रिलैक्स होते हैं, और यहाँ के ना यूरोप में जनरल लोग उतने नहीं होते हैं भाई। तो गाइस ये था वीडियो का, दैट्स प्रीमियम फॉर वीडियो, अब यहाँ पे एंजॉय करते हैं। अब मैच्योर नौसिखिया लोग फंस गए हैं, देखो उनकी बोर्ड यस, और बोर्ड आगे भी नहीं बढ़ रही है। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो काफी सही रहेगा, आप एंजॉय कर सकते हो लाइफ वगैरह, और यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ इन जनरल काफी अच्छी है। तो गाइस कुछ कमेंट कर देना, आपके कमेंट से पता क्या होता है, यूट्यूब को लगता है कि थोड़ा इंगेजिंग वीडियो है और लोग तक वीडियो पहुंचती है। तो फाइनली हमारी पूरी शूट खत्म हो गई, कैंपस टूर थक गया यार अब ना, फिर हम पीछे चिल कर रहे थे भाई, थोड़े रेस्ट कर रहे थे, काफी अच्छा मोमेंट था, अच्छा व्यू था, समझ रहे ना। चलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे, टिल देन लव फ्रॉम पोर एंड पीस, और हल्की सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, कुछ भी कमेंट कर देना नीचे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में लव फ्रॉम पोर एंड पीस, और भाई को जल्दी 50K कराते हैं भाई, 100K कराते हैं, बहुत दिन से वेट कर रहा हूं, बहुत महीनों से मेहनत कर रहा हूं, आप लोग अप्रिशिएट करो भाई, अगर आप लोग अप्रिशिएट नहीं करोगे वीडियो बनाना बंद कर दूंगा।